गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है अकबर। और इससे पहले हमने पढ़ लिया था शेरशाह सूरी के बारे में, जो सूर वंश का फाउंडर था। अब देखिए, अकबर का जो रूलिंग टाइम आता है वो आता है 1556 टू 1605। और अकबर का जन्म होता है वह 15 अक्टूबर 1542 को कहाँ होता है, अमरकोट में। अमरकोट का जो फोर्ट है, महल है, उसमें होता है, जो कहाँ पर है प्रेजेंट में, पाकिस्तान में। और उस समय यह फोर्ट किसका था, वीर साल का। एट द एज ऑफ 13 ईयर्स, 13 साल की उम्र में ही बिकेम द किंग, वह राजा बना अकबर। और 14 फरवरी 1556 को उसका कोरोनेशन हुआ और बैरम खां उसका क्या बना, संरक्षक बन गया, गार्जियन बन गया था। हिज कोरोनेशन टुक प्लेस इज कलानौर। इसका जो कोरोनेशन हुआ था वह कहाँ हुआ था, 14 फरवरी 1556 को कलानौर में हुआ था। कलानौर कहाँ पर था, पंजाब में। एंड परफॉर्म वाज इज गार्जियन बैरम खां। और इसका जो गार्जियन बना वह कौन बना था, बैरम खां था। अब देखिए, बैरम खां कौन था, बैरम खां हुमायूं के साथ ईरान से आया था, ठीक है। और हुमायूं ने बैरम खां को अपना कमांडर बना लिया था। बाद में हुमायूं के बाद अकबर का जो कमांडर था वो कौन था, बैरम खां। बैरम खां प्लेड द रोल। अब बैरम खां ने अकबर के लिए कौन कौन से रोल प्ले किए, कौन कौन सा भूमिका निभाई, वह उसका प्रोटेक्टर भी था, गार्जियन भी था और टीचर भी था। तो अकबर का प्रोटेक्टर, गार्जियन, टीचर, ये सब कौन था, ये सब बैरम खां था। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। अब देखिए, सेकेंड बैटल पानीपत का दूसरा बैटल जो कब होता है, 5 नवंबर 1556 को ये होता है। फर्स्ट बैटल तो आपको पता ही है, फर्स्ट बैटल ये होता है 21 अप्रैल 1526 को, किसके इस बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो सेकेंड बैटल यह होता है अफगान और मुगल सेना के बीच। और अफगान की ओर से कौन लड़ रहा था, हेमू, और मुगल सेना की ओर से लड़ रहा था बैरम। और इस बैटल में मुगल ने क्या किया था, अफगानों को हरा दिया था। हेमचंद्र विक्रमादित्य और हेमू, कि हेमू ने कौन सा टाइटल लिया था, विक्रमादित्य का। ही वॉज कमांडर ऑफ महमूद आदिल शाह। हेमू महमूद आदिल शाह का कमांडर था। इसने 22 बैटल्स जीते थे, 24 बैटल्स किए थे, जिन दो बैटल्स में हारा था, और वह 22 बैटल्स में जीता था। कौन, हेमू। ही गेन द टाइटल ऑफ किंग विक्रमजीत। इसने विक्रमजीत का टाइटल भी लिया था, इसने विक्रमादित्य का टाइटल भी लिया था। इतिहासकार है, उन इतिहासकारों के अकॉर्डिंग यह 14वां ऐसा शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि या टाइटल लिया था। आगे देखिए, अकबर डिफीटेड बाज बहादुर रूलर ऑफ मालवा इन 1561। अकबर ने मालवा का रूलर था बाज बहादुर, इसे 1561 को डिफीट कर दिया था। और मालवा, चुनार का किला और गोंडवाना जो किला है, ये है, इस पर अकबर ने अधिकार कर लिया था। अकबर कैप्चर रणथंभौर फोर्ट बाय डिफीटिंग सोजनहारा। अकबर ने रणथंभौर फोर्ट को जीत लिया था और वहाँ का जो रूलर था सोजनहारा, इसको हरा दिया था। राजा रामचंद्र हैंडेड ओवर द कलिंगर फोर्ट टू अकबर। राजा रामचंद्र ने कलिंजर फोर्ट, और कलिंजर कहाँ पर है, एमपी में, कलिंजर फोर्ट हैंड ओवर कर दिया था अकबर को। इसी तरह से मारवाड़ और बीकानेर के जो फोर्ट थे वो भी किसको हैंड ओवर कर दिए गए, अकबर को। अकबर स्नेस्ड गुजरात फ्रॉम मुजफ्फर शाह एंड बंगाल फ्रॉम दाऊद खान। कि अकबर ने गुजरात मुजफ्फर खां से और बंगाल दाऊद खां से छीन लिया था। महाराणा प्रताप रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द सॉवरेंटी ऑफ अकबर। कि महाराणा प्रताप ने, जो कहाँ के शासक थे, चित्तौड़ शासक थे, मेवाड़ शासक थे, इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। फिर इसके बाद इन दोनों के बीच एक बैटल होता है जिसका नाम है बैटल ऑफ हल्दीघाटी। और इस बैटल को हम बाद में पढ़ेंगे, जो हम महाराणा प्रताप चैप्टर टॉपिक पढ़ेंगे। बैटल ऑफ हल्दीघाटी यह होता है 1576 में, किसी से बीच, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, जिसमें मुगल आर्मी का लीड कर रहा था
मानसिंह और उसका असिस्टेंट था आसफ खान। अकबर विक्ट्री ओवर काबुल, कश्मीर, उड़ीसा, कंधार, और अकबर ने काबुल, कश्मीर, उड़ीसा, कंधार इन सब पर विजय प्राप्त कर ली थी। मुगल आर्मी कैप्चर्ड अहमदनगर। मुगल आर्मी ने अहमदनगर को जीत लिया था जब वहाँ की शासिका कौन थी, चांद बीवी थी। हालांकि चांद बीवी तो केवल संरक्षिका थी, किसकी, बहादुर निजाम शाह, जो अल्पवयस्क वहाँ का शासक था। उसके प्रति उसने बहुत कड़ा संघर्ष किया, प्रतिरोध किया, लेकिन उसके बाद भी मुगल आर्मी ने उसको जीत लिया। असीरगढ़ केम अंडर मुगल कंट्रोल इन 1601। असीरगढ़ यह है मुगल कंट्रोल में आ चुका था 1601 में। दिस वॉज द लास्ट विक्ट्री ऑफ अकबर, और यह है अकबर की लास्ट विजय थी, मतलब अकबर की लास्ट विजय कहें तो असीरगढ़ थी, और असीर कंट्रोल में आ गया था 1601 में। अब्दुल रहीम वॉज गिवन द टाइटल खान खाना फॉर सप्रेस्ड रिवोल्ट इन गुजरात। अब अकबर के नौरत्नों में से एक है अब्दुल रहीम, और इसे एक टाइटल दिया गया था खान ए खाना, और इसे कब दिया गया था, जब इसने गुजरात के रिवोल्ट को क्रश कर दिया था, सप्रेस कर दिया था। अकबर डाइड इन 1605 AD आफ्टर ए प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, कि 1605 में अकबर की लंबी बीमारी के कारण क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। बीरबल डाइड ड्यूरिंग अटैक ऑफ यूसुफ जाही, कि यूसुफ जाही एक ट्राइब थी, जाति थी, जिस और उस ट्राइब ने के रिवोल्ट कर दिया था, उसको सप्रेस करने के लिए अकबर ने भेजा था किसको, बीरबल को, और बीरबल का असली नाम था महेशदास। इसको जब भेजा था तब इसकी डेथ हो गई थी। एक व्यक्ति था वीर सिंह बुंदेला, इस वीर सिंह बुंदेला ने इसको मार दिया था। आगे देखिए, अकबर टॉम इज सिचुएटेड इन सिकंदरा, आगरा से कुछ ही दूरी पर है सिकंदरा, वहाँ पर अकबर का मकबरा बना हुआ है। अकबर बेल्ड इबादत खाना इन 1575 AD एट फतेहपुर सिकरी टू कंडक्ट रिलीजियस डिस्कशन। अकबर ने धार्मिक चर्चा करने के लिए फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना बनवाया था। कहाँ पर, फतेहपुर सीकरी में, कब बनवाया था, 1575 में, और क्यों बनवाया था, ताकि यहाँ पर धार्मिक चर्चाएँ हो सके, हर धर्म के लोग यहाँ पर आ सके और धार्मिक चर्चाएँ कर सकें। ही स्टार्टेड रिलीजियस रिलीजन कॉल्ड दीन इलाही, उसने एक धर्म भी चलाया था जिसे क्या कहा गया था, दीन इलाही 1581 में, और इस धर्म को स्वीकार करने वाला, एक्सेप्ट करने वाला पहला जो हिंदू था वह था बीरबल। अबुल फजल वाज द चीफ प्रिस्ट ऑफ दीन इलाही, और मुख्य जो पुरोहित था, जो प्रिस्ट था, पुजारी था दीन इलाही का, वह कौन था, अबुल फजल। शेख आदिल कन्फेड द टाइटल ऑफ इनाम आदिल मुजहद हिंद, कि एक व्यक्ति थे शेख आदिल, जिन्होंने अकबर को एक टाइटल दिया था इनाम आदिल का, जिसे कहा जाता था मुजत हिंद। ही प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन टू जैन मुनि हरविजय, अकबर ने हरविजय को, एक जैन मुनि थे हरविजय, उन्हें प्रोटेक्शन दिया था, एंड गेव द टाइटल जगत गुरु, और उन्हें जगत गुरु का टाइटल दिया था। ही इंट्रोड्यूस ए न्यू कैलेंडर नेम इलाही एरा इन 1583 AD, उसने एक नया कैलेंडर, एक नया संवत चलाया जिसका नाम था इलाही संवत, जो कब चलाया था, 1583 ईस्वी में। अकबर इस्टेब्लिश सॉवरेंटी ओवर राजपूत थ्रू मैरिज अलायंसेस, अब अकबर ने सभी राजपूत राजाओं को अपनी संप्रभुता मानने के लिए मजबूर कर दिया था, वो भी किसके माध्यम से, मैरिज अलायंसेस, ठीक है, वैवाहिक संबंधों के द्वारा, वैवाहिक संधियों के द्वारा, और जिसमें सबसे पहले जो जो शायद विवाह किया था राजपूतों, वह किया था आमेर के राजा भारमल ने अपनी पुत्री हरखाबाई का। आगे देखिए, कछवाहा रूलर भारमल वाज द फर्स्ट रूलर टू एंटर इनटू अलायंसेस विद अकबर, कछवाहा का, कछवाहा शासक था, कछवाही उनका गोत्र था भारमल का, तो कछवाहा शासक उन्हें बोला जाता है पहले रूलर थे जिन्होंने अकबर से शादी, वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। अकबर अपॉइंटेड भगवान दास एंड राजा मान सिंह टू हाई पोस्ट इन हिज कोर्ट, और भारमल का बेटा था जिसका नाम था भगवान दास, और उसका पोता था राजा मान सिंह, इन्हें अकबर ने अपने दरबार में हाई पोस्ट पर अपॉइंट कर लिया था। ही अबोलिस्ड जजिया टैक्स इन
अकबर ने जजिया टैक्स को अबॉलिश कर दिया था 1564 में। और जजिया टैक्स मैंने आपको बताया था कि ब्राह्मणों पर हिंदुओं पर लगने वाला टैक्स था और इसे अबॉलिश कर दिया था अकबर ने। फतेहपुर सीकरी वॉज द कैपिटल ऑफ अकबर फ्रॉम 1569 to 1584। फतेहपुर सीकरी अकबर की कैपिटल रही थी 1569 से 1584 के बीच में, और यहीं पर इसने बुलंद दरवाज़ा को बनवाया था। टू कॉमेमोरेट द विक्ट्री ओवर गुजरात ही बिल्ड बुलंद दरवाज़ा इन फतेहपुर सीकरी। कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था, जिसे कहा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा दरवाज़ा है। तो ये टॉपिक था आपका अकबर।